दौसा के ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने आज फरार आरोपी आदित्य सुरेखा और फ्रॉकी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुखबिर सूचना के आधार पर ये योजना बनाई थी जिसमें हमने इस आरोपी को अपनी अभिरक्षा में लिया है। आरोपी से लगातार पूछताछ जारी है। इस पूरी हत्या के घटनाक्रम में, तीनों हत्याओं के घटनाक्रम में आरोपी की योजना बनाने में क्या भूमिका रही है और जिन कारणों की वजह से ये ट्रिपल मर्डर केस हुआ था, जो उसके पूर्व के झगड़े और मामले थे, FIR हुई थी उसमें, उन सभी के विषय में आरोपी से हम पूछताछ कर रहे हैं और इसमें जिस प्रकार से चीज़ें सामने आएंगी, तथ्य सामने आएंगे, वो आपसे शेयर की जाएंगी। धन्यवाद।